हमारे उद्धव जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, हमारे पक्ष प्रमुख है, वो हर वक्त ये कहते थे कि घर जलाना आसान है लेकिन घर में जो चूल्हा रहता है उसको जलाना बहुत मुश्किल है। तो घर जलाने से आदमी, उससे अच्छा है कि घर में चूल्हा जलाने की कोशिश करे, और वही काम दीपक जी और उनके सब साथीदार कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मेकिंग द डिफरेंस, उनके नाम में ही सब डिफरेंस है, अलग अलग कुछ मेक करते है, मेकिंग मीन बनाते हैं और लोगों के सामने अलग कुछ लेके आते हैं। तो मुझे लगता है दीपक का नाम उसके माँ बाप ने रखा है, वो बराबर उसका नाम से काम करता है। हर एक घर में दीपक जलाता है, मुझे लगता है जलाने में ज़्यादा ताकत लगती है, बुझाने में कुछ नहीं, और जलाने वाला है कि उजाला देता है घर में। तो ये उजाले के रूप से हम प्राथमिक स्वरूप में दे रहे, आगे आगे तो बहुत काम करेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं मेयर किशोरी पेडनेकर जी ने जो कहा है दीपक जी के बारे में, ऐसा ही सुनने को हर जगह मिलता है कि उनका नाम ही दीपक इसलिए रखा गया है कि वो जहाँ पे जरूरतमंद हो वहाँ पे जा करके दीप जलाएं, रोशनी देने की कोशिश करें। और लगातार ये पूरे लॉकडाउन से, मैडम मैं इनका कवरेज करता हूँ, पूरे लॉकडाउन से इन्होंने बहुत भरपूर राशन बांटा है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक 13 से 14 करोड़ रुपए का राशन बांटा है इनकी टीम ने, और इनकी टीम जो है पूरी तरह से मैडम एकदम लगी रहती है। सर क्या कहेंगे ऐसे एनजीओ के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, और ऐसे काम करने वालों की समाज में सही में जरूरत है, क्योंकि ये खून में होना चाहिए, कोई जबरदस्ती सोशल वर्क नहीं कर सकता है, खून में होना चाहिए। उनके खून में वो है लोगों की सेवा करना, लोगों को मदद करना। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि उम्र से मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ, तो मैं आशीर्वाद भी देता हूँ ऐसे काम आप करते रहिए। क्योंकि जो भी काम हम समाज के प्रति करते हैं, इनकी जो दुआ मिलती है, हम हर बार बोलते हैं कि हमारे आदरणीय महापौर मैडम है, आपने देखा है कोरोना के इतने भयानक स्थिति में भी वो दिन रात लोगों में जाती थी, अस्पताल में अटेंड करती थी, क्या क्या सुविधा मिल रहे वो खुद हो के देखते थे। क्यों इन लोगों के साथ रहने से, गरीब वर्ग के लोगों को मदद करने से एक तो दुआ भी मिलती है और हमें जीने की दवा भी मिलती है, दोनों मिलती है। तो इसीलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे काम करते रहिए। हम लोग भी ऐसे काम करते करते यहाँ तक आए हैं, और इन लोग की जो दुआ है वो हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद लगता है। भगवान की पूजा करने से इन लोग की रोज के दिनचर्या में हम कुछ कर सके तो हमारे लिए वो पूजा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ आप ऐसे काम करते रहे, हम आपके साथ में जहाँ जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ मेयर मैडम मैं हूँ, हम आपके साथ में रहेंगे। आपको मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आमदार साहब ने दोस्तों दीपक जी को आशीर्वाद दिया, और मुंबई की मेयर जो है उन्होंने ये कहा कि जो दीप जलाने का काम दीपक विश्वकर्मा जी कर रहे हैं वो करते रहें। दूसरा मैं एक और बात कहूंगा कि मेयर जो एक मेयर होने के नाते, शहर की मेयर होने के नाते, उन्होंने सोचा कि यहाँ के आसपास के लोगों को कहीं पे कोई तकलीफ तो नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ करके इस प्रोग्राम को अपने बंगले पे रखा। और मैं आपको अगर इधर दिखाना चाहूंगा तो बड़े मान और सम्मान के साथ सबको बिठा करके वो जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान प्यार के साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ऐसा नहीं कि लाइन लगा के खड़े हैं, और आप ये देखिए बहुत ही प्यारा माहौल दिख रहा है। इन सब में से जो लोग जरूरतमंद है, राशन की जरूरत हर किसी को है, और वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो मैडम एक बार फिर सिटी हेडलाइंस न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप जैसी मेयर, आप जैसे आमदार जो नेक काम का हिस्सा बनते हैं, अपने जगह पे आकर के देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दीपक जी दो शब्द मेयर मैडम के लिए और आमदार साहब के। मैं माननीय अपनी मेयर श्रीमती किशोरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया आज ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, और यहाँ कार्यक्रम के, और हमारे आमदार इनका भी बहुत धन्यवाद करूँगा। और
मैं मैम को वापस से धन्यवाद करूंगा और मुझे ऐसे ही काम करते रहो। थैंक यू सो मच। विश्वकर्मा सरने में पूरा विश्वकर्मा करके स्थापत्य बनता है, स्थापत्य में सब बनाता है तो ये बनाता है।